उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में षष्ठ पूजा के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। सर्वप्रथम सुबह बंगाली समाज की महिलाएं एवं कमेटी के लोग दुर्गा मंदिर से नगर की परिक्रमा करते हुए हरि मंदिर तालाब से गंगा देवी की पूजा अर्चना के बाद जल लाकर दुर्गा मंदिर परिसर में स्थापित करने के साथ षष्ठी पूजा पुरोहित आशीष चक्रवर्ती के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शुरू किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी के अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि दुर्गा पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 दिनों तक देवी दुर्गा पूजा परंपरा के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान सब इंस्पेक्टर संतोष उप्रेती ने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, कोई भी अप्रिय घटना होने नहीं दी जाएगी। ऑर्डर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमने ड्यूटियाँ लगा रखी हैं अलग अलग पॉइंट्स में और जो वनरेबल पॉइंट है उनको चिन्हित कर रखा है। पार्किंग की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छी की गई है और इसके अलावा जो है रोडों पे और अन्य जगह हमारी ड्यूटियाँ नियुक्त हैं। बहुत अच्छे से पूजा होगी और बाकी चल रहा है अभी इसमें जो कार्यक्रम है हमारा जो शोभा यात्रा उसकी तैयारी चल रही है और पूरी तरह से निर्बाधित चलेगा। सर षष्ठी पूजा का प्रारंभ हुआ, महिलाएं सब यहां से कलश लेके हरि मंदिर से गंगा जल लेके आके बेल वृक्ष का पूजा अर्चना किया और माता षष्ठी देवी का पूजा अर्चना किया। ठीक हो गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।